नहीं, विचार मेरा नहीं है, ये विचार संघ की विचारधारा का अंग है, क्योंकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है, यहाँ हम सब लोग हैं, सबके अलग अलग इतिहास भी होंगे, पृष्ठभूमि भी होंगी, लेकिन पूर्वज सबके समान है। स्वार्थ अलग अलग होंगे लेकिन समाज एक है, स्वार्थों पर एकता होती नहीं, सौदे पर एकता होती नहीं। एकता इस एकत्व के आधार को अपने मन में पक्का बिठाने से होती है। इश्यूज है, उस पर मत आपके अलग अलग हो सकते हैं। प्रजातंत्र में व्यवस्था है, उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उनके लिए संघर्ष कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते, सब कर सकते हैं। लेकिन एकाधे मामले में आपका मेरा मत अलग है और परस्पर विरोधी है, इसलिए हमारा समाज नहीं बदल रहा, हम एक ही समाज के हैं। इस बात को पक्का समझ के हमको चलना चाहिए। पहल अनेक बार हुई अपने देश के इतिहास में, अब लोगों को पता चले इस ढंग से इस्लाम भारत में आया वो आक्रमकों के साथ आया। अब इतिहास का आपको, आपका भी कोई इलाज नहीं, मेरा भी इलाज नहीं। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन से हिंदू और जो नहीं हिंदू, ऐसा यानी मुसलमान, उनको जोड़ने का उस दिन से प्रयास चला है। आप गुरु नानक देव जी की वाणी देखिए, उसमें कितनी बातें ऐसी हैं, हर संत की है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन तुकाराम महाराज और रामदास स्वामी, दोनों के अभंग है। अभंगों में वो कहते हैं कि तुम अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, तुमको अल्लाह क्या है मालूम नहीं है, वो हमको मालूम है, कोई अलग नहीं है, क्यों झगड़ा करते हो, इस प्रकार के अभंग है।